तेल काफी गर्म हो गया है ना। तो तेल काफी गर्म हो गया है तो हम पहले डालते हैं, बना रहे हैं। हमारे प्याज और चना का चना मसाला। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, ये बन रहा है मेरा चना मसाला। पहले तेल गर्म हो गया और हमने एक साथ आलू प्याज सब डाल दिया। थोड़ा सा हल्का सा भून जाए तब डालेंगे मसाले। तो ये मेरा चना मसाला किस किस को पसंद आएगा, बनाने की विधि देख लें कैसे मैं बना रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और खा के देखें, बहुत ही मजा आएगा। ये हल्का सा भून गया है तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये स्वाद अनुसार नमक। तो ये होगा हमारा स्वाद अनुसार नमक। मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कि आपको कितना चाहिए। हमारे यहाँ सब तीखा खाना पसंद करते हैं तो हम तीखा ज़्यादा डालेंगे। ये गया धनिया, थोड़ा सा और ये हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला। गाइस, इसमें कुछ अभी पिसा हुआ कुछ भी मसाला नहीं डाल रहे, बस सिंपल से मसाले से बना रहे हैं क्योंकि आज काफ़ी लेट भी हो गया है तो झटपट वाला चना मसाला बन रहा है। बट टेस्टी बहुत बनता है। अभी जैसे आप लोगों को पता ही है कि टमाटर बहुत महंगा है तो हम टमाटर प्यूरी यूज करते हैं। तो ये टमाटर प्यूरी थोड़ा सा पानी चले ना, थोड़ा सा हल्दी पाउडर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। हमारे पास है इसलिए हमने डाला। इससे थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आता है और अच्छा लगता है। तो बहुत ही क्विकली बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम डालेंगे चने। कैसे है गाइस? वाओ, काफी खुशबू आ रही है। लगभग भून गया, जैसे कि मैंने कहा आपको कि बहुत झटपट बन जाते हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें
आपको अगर ग्रेवी रखनी है तो आप ज़्यादा डालें पानी, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है तो मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ उसमें पानी। बस काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ढक्कन लगा दें इसे, 3-4 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। जब तक ये सीटी आता है बाकी भी काम कर लेंगे। गैस मीडियम से बनने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको सीटी आने के बाद ये बनके किस तरीके से रेडी होता है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे ब्लॉग को देखते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रानी की दुनिया डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।